विद दिस लुक. मुझे ये लुक बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, सो आई थॉट क्यों ना मैं इस वैलेंटाइंस डे के लिए ये लुक को रिक्रिएट करती हूँ फॉर यू गाइज. एंड हाँ, आगे बढ़ने के पहले आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर. मैं कृति सेनन के जैसे तो दिख नहीं सकती हूँ ऑफकोर्स, मैंने बस इस मेकअप लुक को रिक्रिएट करने का कोशिश किया है, सो आई होप यू गाइज लव वॉचिंग दिस मेकअप ट्यूटोरियल. ऑल्सो इस वैलेंटाइंस डे पे मेरा यूट्यूब पे एक साल कम्प्लीट होने वाला है, एंड द फर्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल वॉज अ वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक. एंड थैंक्स टू एवरी वन जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड जो मेरे वीडियोज देखते हैं. इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना. एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो एंड सीइंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन प्लीज गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो. तो चलिए, अब बहुत बातें हो गई, नाउ लेट्स गेट ऑन विद दिस मेकअप लुक. First, I will be applying this Pond's Super Light Moisturizer. Now for that extra glow, मैं Swiss Beauty का Real Makeup Base Primer use करने वाली हूँ. This is in the shade Golden Tint. इसमें छोटे छोटे गोल्ड रिफ्लेक्सेस हैं जो आपके फेस को एकदम ग्लोइंग बना देगा. प्रीति सेनन का बेस बहुत नेचुरल लग रहा है, इसलिए मैं भी कोई हैवी फाउंडेशन नहीं अप्लाई करने वाली हूँ. मैं आज ये लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन यूज करूंगी इन द शेड 02. कंसीलर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड कंसीलर इन द शेड 03 अप्लाई करूंगी. अब मैं कंसीलर को सेट करने के लिए ब्लू हेवन वाला कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करने वाली हूँ. अब मैं आईब्रो को फिल कर लूंगी विद दिस स्विस ब्यूटी आईब्रो पाउडर. अब मैं फेस को कंटूर कर लूंगी फ्रॉम दिस स्विस ब्यूटी कंटूर पैलेट. कृति सेनन का फेस एकदम चिजल्ड है, मेरा उतना है नहीं, मेरा थोड़ा चबी चीक्स है, दैट्स वाई मैं थोड़ा ज्यादा कंटूरिंग करूंगी. सनन के फेस में बहुत हल्का सा ब्लश है, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस पिंक शेड फ्रॉम दिस सेम पैलेट. अब मैं इसी पैलेट से ये हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी. आईलुक के लिए पहले मैं एक ब्राउन सा शेड अप्लाई करूंगी. कृति सनन ने भी अपने पूरे आईलिड में एक ब्राउन शेड अप्लाई किया हुआ है. आई एम गोइंग टू यूज दिस कफ्स एंड लैशेस पैलेट और मैं ये वाला जो ब्राउन शेड है इसे लेकर अप्लाई करूंगी अपने पूरे आईलिड पे. नेक्स्ट मैं ये वाला जो ब्लू शेड है इसे मैं इतना तक अप्लाई करूंगी जिस तरह से कृति सेनन के आईज में अप्लाई किया हुआ है. अब मैं फिर से उसे प्रीवियस ब्लेंडिंग ब्रश से जो ब्राउन शेड है उसे ब्लेंड कर लूंगी ताकि एक सीमलेस इफेक्ट आ जाए ब्लू एंड ब्राउन के बीच में. अब जो ब्लू आईलाइनर अप्लाई किया हुआ है कृति सेनन ने, उसके लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का जेल काजल यूज करूंगी इन द शेड टर्कवाइज. अब लोअर लैश लाइन में उसने एक ब्राइट पिंक शेड अप्लाई किया हुआ है, तो मैं ये वाले पिंक शेड को लेकर अप्लाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैट ब्रश. एंड मैं इस पिंक शेड को हल्का सा फ्लिक करूंगी जैसे कि कृति सेनन के आईज में. अब मैं फिर से उसी ब्राउन शेड को लेकर अपने लोअर लैश लाइन को थोड़ा और ब्लेंड कर लूंगी. मैं इसी पैलेट से ये वाला हाइलाइटिंग शेड लेकर अपने इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन्स को हाइलाइट कर लूंगी बहुत हल्के से. प्रीति सेनन के वाटर लाइन में कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं अच्छे से मस्करा अप्लाई करके इस आई लुक को फिनिश कर लूंगी. बट बिफोर दैट आई विल बी कर्लिंग माई आई लैशेस. मस्करा के लिए आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्करा. कृति सेनन ने एकदम प्रॉपर लाइट पिंक सा लिपस्टिक अप्लाई किया हुआ है. मैं लिपस्टिक के लिए अप्लाई करूंगी मेबेलिन का ये पाउडर मैट कलेक्शन से टच ऑफ न्यूड शेड. अब इसे थोड़ा और पिंक बनाने के लिए मैं इसी शेड को लेकर अपने लिप्स पे डैब कर लूंगी. अब लास्ट में मेकअप को सेट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर. कोशिश किया है टू
recreate this makeup look. I hope you guys like this look. And agar aap is look ko recreate karte ho on this Valentine's Day, then don't forget to tag me on my Insta. Wish you all a very love-filled Valentine's Day. See you guys soon with a brand new video. Till then, keep watching, keep rocking!